Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं यार आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले सेकंड वनडे इंटरनेशनल मैच के बारे में। ठीक है, टोटल तीन वनडे इंटरनेशनल मैच की दोस्तों ये सीरीज है, जिनमें से फर्स्ट मैच अभी दो दिन पहले हो ही चुका है। वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ पॉकेट मैच था, है ना, क्योंकि उस वाले मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को काफी कम स्कोर पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, साथ ही साथ फिर वो जो कम स्कोर बना था उसको इजीली चेस भी कर दिया था, है ना। अब यार देखो, तीन मैच की सीरीज है जिनमें से एक मैच ऑलरेडी हो चुका है। पहला मैच इंडिया ने काफी आसानी से जीत लिया था, तो अब जो बचे हुए दो मैच है ना वो साउथ अफ्रीका के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका को ये होम सीरीज जीतनी है तो फिर ये बचे हुए दोनों मैच जीतना जरूरी है। ठीक है, तो आगे वाले जो ये दो मैच होने वाले हैं इनमें आपको जो है साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से थोड़ा से एक्स्ट्रा एफर्ट देखने को नजर आ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आज वाले मैच की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पिछले वाले मैच में तो इंडिया को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि यंग टीम है ना, नए खिलाड़ी ज्यादा है इंडियन टीम में। लेकिन आज वाले मैच में ऐसी गलती नहीं होगी, थोड़ा सा सीरियसली खेलेंगे तो आज वाले मैच में साउथ अफ्रीका जीत सकती है, क्योंकि ऑन पेपर साउथ अफ्रीका की टीम अभी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडियन टीम के मुकाबले में। ठीक है, और बाकी दोस्तों आज वाला ये जो मैच है ना ये थोड़े से ट्रिकी पिच पे होने वाला है, थोड़ा सा स्लो सरफेस रहेगा, ध्यान रखना हाई स्कोरिंग मैच अपने को देखने को नहीं मिलेगा, है ना, थोड़ा सा स्लो सरफेस रहेगा और ट्रिकी मैच है, तो प्लीज देखो तुक्के में टीम आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तुक्के में टीम बनाने जाओगे अपना नुकसान करवा बैठोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो अगर आज वाले मैच में आपको बेनिफिट करना है खुद का, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, तो देखो यार आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, बस हमेशा तरह आपको हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हमेशा तरह इस मैच की पूरी कुंडली खोल के आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत अच्छी एनालिसिस हम करने वाले हैं, फिर दोस्तों उसी एनालिसिस का यूज करना इस मैच में टीम बनाना, एक बार वापस आप बहुत अच्छी टीम बना पाओगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों आपको आखिर तक बने रहना है। बाकी यार वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सबको एक छोटा सा काम जरूर करना है, और वो क्या करना है आप सबको बताएं कि यार आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, नीचे आ रहा लाइक का बटन, फटाफट से वो लाइक का बटन दबा दो। और साथ ही साथ यार आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई यार यहाँ पर भी पीछे मत रहो, 6 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, रेगुलरली हमारी एनालिसिस का और वीडियोज का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, फटाफट से दबा के बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है, खैर बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की, तो यार इस वीडियो में तो आपको इस मैच से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत अच्छी बातें हम करने वाले हैं, बहुत अच्छी एनालिसिस हम करने वाले हैं। फिर दोस्तों आगे इस हम वीडियो में क्या करेंगे कि यार ये जो एनालिसिस हम करेंगे ना इसका यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर इस मैच की एक टीम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना आगे इस वीडियो में हम जो भी टीम बनाने वाले हैं इस मैच की वो अपनी फाइनल टीम भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें चेंजेज हो सकते हैं, उसमें अपडेट हो सकते हैं, और क्यों हो सकते हैं वो आपको भी पता है, क्योंकि अभी तक यार इस मैच का टॉस नहीं हुआ है ना, और जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है, नई नई अपडेट आती रहती है ना। टॉस होने के बाद दोस्तों अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आती है, फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, फाइनल वेदर रिपोर्ट आती है, और उन सभी इन्फॉर्मेशन की वजह से यार अपनी टीम में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यार अपनी टीम में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे वो करके अपनी जो भी फाइनल टीम होगी इस मैच की, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा एंड ऑफ कोर्स जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी, वो हमेशा करे दोस्तों टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप में से जिस भी भाई ने यार अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देखो यार हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको अपनी साइड स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, फिलहाल में हमारे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों लगभग 1,90,000 लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स का अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छे विनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो देखो यार मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम फ्री है और एकदम आसान है। ठीक है, ज्वाइन कैसे करोगे, टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई आपको जुड़ ही जाना है, लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, फ्री में फाइनल टीम्स और अपडेट्स का फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक मैंने आपको बताई दी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। खैर दोस्तों बात करते हैं आज वाले इस मैच के बारे में, तो यार आज वाला ये जो मैच है आज इवनिंग में 4:30 PM पर स्टार्ट होगा और ये वाला जो मैच है ये सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखो यार पिच और वेदर के बारे में, इस वेन्यू के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है यहाँ पर, एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है तो वो एक बार के लिए पूरा ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं मौसम की, तो यार देखो मौसम मैच के दौरान तो क्लियर रहने वाला है, वहां से वेदर रिपोर्ट कुछ ऐसी आ रही है, मैच के दौरान जो है मौसम क्लियर रहेगा, मतलब थोड़ा सा क्लाउडी मौसम रह सकता है, बादलों वाला मौसम रह सकता है, लेकिन वैसे बारिश आने के चांसेस नहीं है, लेकिन मैच से पहले यहां पर बारिश होने वाली है। ठीक है, अब यार मैच से पहले अगर वेन्यू पे बारिश होगी तो सीधी सी बात है पिच में मॉइस्चर रहेगा, पिच में मॉइस्चर रहेगा और
मैच के दौरान क्लाउडी मौसम रहेगा, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में स्विंग थोड़ी सी ज्यादा मिल सकती है फास्ट बॉलर्स को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है बॉलर्स को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, फास्ट बॉलर्स को स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे मॉइस्चर उड़ जाएगा, मॉइस्चर सेट हो जाएगा, है ना, उसके बाद बैट्समैन भी अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों देखो, सेंट जॉर्ज पार्क में ये वाला मैच खेला जाएगा, और ये सिटी का नाम तो जो है आपको पता है मैं कभी बोलता नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उल्टा नाम है। खैर, यहाँ के पिच की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, बैलेंस्ड यहाँ के पिच रहते हैं ना, बैलेंस सरफेस यहाँ पर रहती है। आज का जो मौसम है वो कुछ इस प्रकार का है कि स्टार्टिंग के कुछ ओवर मान लो, है ना, 500 ओवर मान लो, स्टार्टिंग के 500 ओवर्स में यहाँ पर पेसर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज देखने को मिल सकता है, फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन उसके बाद जो है पिच धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, बैटिंग करना भी ठीक ठाक हो जाएगा यहाँ पर, और जो मिडल ओवर्स होंगे स्पेशली सेकेंड इनिंग के जो मिडल ओवर्स होंगे उनमें जो है स्पिनर्स को थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा, है ना। बाकी मेजरली यहाँ पर फास्ट बॉलर को ही सपोर्ट रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिच के बारे में वैसे तो बता ही दिया है, बाकी यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये भी एक बार देख लो। मैंने यहाँ पर ऐसी बात लिखी हुई है कि यार यहाँ के जो पिच हैं वो बैलेंस सरफेस रखते हैं अपनी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मौसम की वजह से स्टार्टिंग में पेसर्स को, फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर मिडल ओवर्स में स्पिनर को रहेगा, ठीक है। एवरेज स्कोर की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 280 के समथिंग मैंने रखा है, लेकिन ध्यान रखना अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि पिछले मैच में इंडियन बॉलर्स ने ही डोमिनेट किया था, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका की बैटिंग अच्छी है, एंड आई थिंक 280 की जगह 300 भी जा सकते हैं अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है तो हो सकता है, हाँ 280-300 यही स्कोर मान रहा हूँ, क्योंकि इंडिया की बैटिंग तो ठीक ठाक आई है ना यार, है ना। उसके अलावा दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी, आई थिंक टॉस जीत के उनको पहले बॉलिंग करना चाहिए, क्योंकि इस मैदान की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार पिछले 3-4 साल में यहाँ पर कोई भी वनडे इंटरनेशनल का मैच नहीं खेला गया, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूँ तो पिछले यहाँ पर जो 6-7 वनडे के मैच खेले गए ना, उनमें से मोस्ट ऑफ द मैच, मतलब 7 वनडे के मैच अगर मैं बोलूँ तो उनमें से 6 मैच उस टीम ने विन किए जिसने पहले बॉलिंग किया है ना। तो टॉस जीतो पहले बॉलिंग कर लो, वही आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर डिसीजन रहने वाला है। साथ साथ दोस्तों ये भी तो मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में पिच में मॉइस्चर रहेगा, तो स्टार्टिंग में ही जितना फायदा बॉलर्स उठा पाएंगे वो उठा पाएंगे, है ना, मॉइस्चर का फायदा उठा लेंगे। तो टॉस जीतो पहले बॉलिंग करो, यही सीन रहने वाला है। बाकी दोस्तों आपको आपको तो बताइए, ये है एक प्री मैच पिच रिपोर्ट, ठीक है, एक डेमो पिच रिपोर्ट है। फाइनल पिच रिपोर्ट इस मैच की अपने पास कब आएगी, टॉस के टाइम आएगी, ठीक है। और वो मैं आपके साथ कहाँ शेयर करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा यार, है ना। तो एक बार वापस बोल रहा हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों देखो वेन्यू स्टेट्स के बारे में, तो सेंट जॉर्ज पार्क की अगर मैं बात करूं तो आज तक यहां पर टोटल 41 मैच खेले गए हैं वनडे इंटरनेशनल के, जिनमें से दोस्तों 21 मैच उस टीम ने विन किया जिसने पहले बॉलिंग किया, और 20 मैच उस टीम ने विन किया जिसने पहले बैटिंग किया, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग बराबर ही है 20-21, लेकिन फिर भी आज वाले मैच में वेदर कंडीशन को देखते हुए टॉस जीतो पहले बॉलिंग करो, वो बेटर डिसीजन है, ठीक है। एवरेज स्कोर दोस्तों 233, जैसा कि मैंने आपको बताया ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच अपने को यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। आज वाले मैच का एवरेज स्कोर मैंने आपको बता दिया 280 के समथिंग रह सकता है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों पाकिस्तान का, यहाँ पर लोएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड का है, और बाकी स्कोरिंग पैटर्न वगैरह आप खुद भी देख सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। खैर बात करते हैं दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड स्कोर के बारे में, वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, ये तो एक्चुअली आपको पता होने चाहिए, ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। एक बार के लिए फटाफट से अपन यहाँ पर नजर मार लेते हैं इंडियन टीम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस में देखो वनडे की अगर मैं बात करूं तो वनडे में ये तो इन्होंने वो खेले ही थे, है ना, वर्ल्ड कप वाले मैच जिसमें अनबीटन रहे थे, फिर फाइनल में आके हार गए थे, ठीक है। ये यहां तक वर्ल्ड कप का है। फिर ये वाला जो मैच आप देख रहे हो ये पिछला इस सीरीज का है जिसमें साउथ अफ्रीका को 116 रन पे ऑल आउट कर दिया था, और फिर इंडिया ने जो टारगेट था वो इजीली 16 ओवर्स में ही चेस कर दिया था, तो सीरीज का पहला मैच जीत गए थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो ये यहां तक वर्ल्ड कप के मैच है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही हारा था, ये सेमीफाइनल में हार गए थे, ठीक है। बाकी अच्छी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की भी थी वर्ल्ड कप में, एंड देन ये वाला जो इस सीरीज का मैच है इसमें इंडिया से हार ही गए, ठीक है। हेड टू हेड की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पिछले जो 10 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं वनडे के, उनमें से 4 मैच साउथ अफ्रीका ने और 6 मैच इंडिया ने जीते हैं। आज वाले मैच की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर डेफिनेटली 6 मैच इंडिया ने जीते हैं, थोड़े से ज्यादा मैच इंडिया की साइड है, लेकिन आज वाले मैच की अगर मैं बात करूं तो भाई साउथ अफ्रीका की जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, और ज्यादा से मेरा मतलब है 70% आई थिंक कि साउथ अफ्रीका की जीतने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रिसेंट वाले मैच का कोई खास नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों देखो यार टीम न्यूज की, तो इंडिया की टीम की तरफ से अपने पास सिर्फ एक न्यूज है, और वो है श्रेयस अय्यर को लेकर, जो कि शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि श्रेयस अय्यर इस सीरीज के सिर्फ पहले मैच के लिए अवेलेबल है, बाकी के 2 मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि 2 जो टेस्ट मैच आ रहे हैं ना उनकी प्रिपरेशन उनको करनी है, ठीक है। तो टेस्ट मैच की प्रिपरेशन के लिए श्रेयस अय्यर निकल गए हैं, तो आज वाले मैच में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे तो इनकी जगह नंबर 3 पर आपको
रजत पाटीदार खेलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों चूंकि आज वाला जो मैच है जिस पिच पर खेला जाएगा वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, और अगर स्लो हो सकता है तो भाई युजवेंद्र चहल को भी मौका दिया जा सकता है। ध्यान रखना, एक फास्ट बॉलर को बिठा सकते हैं या फिर एक स्पिनर को भी बिठा के युजवेंद्र चहल को मौका दिया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास अभी तक इंडियन टीम की तरफ से आई नहीं, और वही बात है यार, देखो जब तक टॉस नहीं होता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहेगी, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। ये पूरी इंडियन स्क्वाड है एक बार के लिए फटाफट से अगर अपन यहाँ पर देखना चाहें तो देखो यार, गायकवाड़ और साई सुदर्शन आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे, रजत पाटीदार नंबर 3 पर है, तिलक वर्मा नंबर 4 पर है, ठीक है। रिंकू सिंह और संजू सैमसन में से किसी एक को ही मौका दिया जाएगा एज ए फिनिशर, जिनमें से आई थिंक रिंकू सिंह को अभी नहीं दिया जाएगा, संजू सैमसन को दिया जाएगा। श्रेयस अय्यर दोस्तों अवेलेबल नहीं है, केएल राहुल टीम के कैप्टन है खेलते हुए दिख जाएंगे, अक्षर पटेल हैं जो कि आपको खेलते हुए दिख जाएंगे एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर, अब जब अक्षर पटेल खेल रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर को मौका नहीं दिया जाएगा। यहां से दोस्तों देखो यार, कुलदीप यादव को तो आई थिंक खेलना ही खेलना है, बाकी युजवेंद्र चहल का जैसा कि मैं आपको बोल रहा था चहल को खिलाया जा सकता है। अब अगर चहल को खिलाना है तो देखो आकाशदीप तो वैसे भी नहीं खेल रहे, अगर चहल को खिलाना है तो फिर इन 3 पेसर्स में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और अर्षदीप सिंह और आवेश खान ने पिछले मैच में जिस तरीके की परफॉर्मेंस की, आई डोंट थिंक इनको ड्रॉप कर सकते हैं, तो अगर चहल खेलेंगे तो सीधी सी बात है मुकेश कुमार बाहर होने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पॉसिबल प्लेइंग 11 वैसे तो मैंने आपको स्कोर के टाइम पे बताई दिया, बाकी इनके ऊपर आप नजर मार लो, और बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने थोड़े से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन से प्लेयर्स आज वाले मैच में आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के अच्छे पिक हो सकते हैं, कौन से प्लेयर्स आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हो सकते हैं, कैसी उनकी फॉर्म चल रही है, सारी बातें यहाँ पर आपको पता लगेगी। तो एक बार के लिए पूरा फोकस यहाँ पर रखना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाता है ऋतुराज गायकवाड़ का, राइट हैंड बैटर है। इस सीरीज में आने से पहले टोटल 4 ही मैच खेले थे उन्होंने वनडे के मैच, वनडे क्रिकेट में, जिनमें 106 रन बनाए, 26 का बैटिंग एवरेज है। कोई खास वनडे में इनकी परफॉर्मेंस आई नहीं है, पिछले वाले मैच में भी जल्दी आउट हो गए थे, सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ एक काफी अच्छे बैट्समैन है, ठीक है, और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है ये बंदा, जेन्युइनली अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, हमने इसको खेलते हुए देखा है। जब T20 में ये बंदा लंबी पारी खेल सकता है तो ODI में भी खेल सकता है, तो आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में रख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों साई सुदर्शन की अगर मैं बात करूँ तो पिछले मैच में डेब्यूट मारा, डेब्यूट पे 50 आई लोन देगी यार, 55 नॉट आउट की शानदार पारी खेली थी, है ना। उससे पहले दोस्तों लिस्टे के ये 3 मैच खेले थे और उनमें उतनी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए थे, लेकिन पिछले मैच में अच्छी फॉर्म में नजर आए। अब देखो यार साई सुदर्शन का कुछ ऐसा है कि लिस्टे में काफी अच्छा एक्चुअली इनका वो है रिकॉर्ड है, 25 मैच में 1200 प्लस रन है, 60 प्लस का बैटिंग एवरेज है, जो कि जनरली होता नहीं है ना, 60 प्लस का बैटिंग एवरेज काफी शानदार है। तो अगर आपको सेफ खेलना हो आप अपनी टीम में रख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखो अगर आप रिस्क लेना चाहो, क्योंकि पिछले मैच में क्या सीन था, पिछले मैच में टीम के ऊपर प्रेशर नहीं था, प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर नहीं था, क्योंकि सबको पता था 117 रन का टारगेट है तो चेस हो जाएगा आराम से, ना। और जब बिना प्रेशर के खेलता है एक प्लेयर, देखो दो तरीके की चीज होती है, एक तो प्रेशर के अंदर खेलता है प्लेयर, और नया प्लेयर है तो वो प्रेशर ज्यादा लेता है, ठीक है, अंडर प्रेशर वो अपना विकेट थ्रो कर सकता है, और आज वाले मैच में अगर प्रेशर आता है या फिर मान लो इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो फिर आई डोंट थिंक साई सुदर्शन लंबा खेल पाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा दोस्तों रजत पाटीदार की अगर वाले मैच की बात करूँ तो आज वाले मैच में डेब्यूट मार सकते हैं, 57 मैच दोस्तों उन्होंने लिस्टे के खेले हैं, जिनमें 1900 प्लस रन है, 36 प्लस का बैटिंग एवरेज है। रिसेंटली दोस्तों जो लिस्टे के मैच उन्होंने खेले उनमें अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं, 5 में से 3 मैच में 50 आई है, 70 प्लस की इनिंग आई है, एक मैच में डक पे आउट हो गए थे और एक मैच में 30 आई है, ठीक है। तो अगर देखो आप इनको रखना चाहो रख सकते हो, एक्चुअली स्मॉल लीग की टीम में मैं ट्राई नहीं करूंगा, लेकिन ग्रैंड लीग में, मिनी ग्रैंड लीग में आप इनको मौका दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा तिलक वर्मा है दोस्तों, एक्सपीरियंस इनको भी वनडे में ज्यादा नहीं है, पिछले मैच में बैटिंग आई थी, एक नॉट आउट की पारी खेली थी ओनली लिस्ट में दोस्तों, 53 का बैटिंग एवरेज, अच्छे प्लेयर है तिलक वर्मा भी, लेकिन फिर भी एक बार के लिए मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं अपनी टीम में ट्राई करने के लिए, जिनमें नाम आ जाते हैं। देखो सबसे पहले तो केएल राहुल का टीम के कैप्टन भी हैं, बैटिंग एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है वनडे इंटरनेशनल में, है ना, 2700 प्लस रन है, 50 प्लस का बैटिंग एवरेज है। रिसेंटली दोस्तों उन्होंने मतलब उधर ही वर्ल्ड कप में ही खेले थे मैच, वर्ल्ड कप के बाद पिछले वाले मैच में तो बैटिंग इनकी आई नहीं थी, और वर्ल्ड कप में भी इन्होंने अच्छी इनिंग आई थी, 102 रनों की, 39 नॉट आउट की, और ये 66 रनों की फाइनल में, ठीक है। अच्छे प्लेयर हैं और अच्छी फॉर्म है, तो डेफिनेटली हम अपनी टीम में ट्राई करने ही वाले हैं। उसके बाद दोस्तों संजू सैमसन है, इनके बारे में मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की टीम में इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इंडिया पहले बैटिंग करती है तो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कुछ भी नहीं चाहिए, 4 विकेट चाहिए, 4 विकेट जाएंगे, संजू सैमसन बैटिंग करने आ जाएंगे लिस्ट में, और इवन ODI में भी इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, ODI में भी 55 प्लस का बैटिंग एवरेज है, काफी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, है ना, ताबड़तोड़ बैटिंग भी कर सकते हैं, फाइनल कुछ ओवर्स में पावर हिटिंग भी कर सकते हैं,
देन आई थिंक इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है ग्रेन लीग के बहुत अच्छे पिक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल है जो कि आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के भी अच्छे पिक हैं क्योंकि पूरे अपने 10 ओवर तो करवाएंगे ही करवाएंगे, है ना, अपने कोटे के पूरे 10 ओवर करवाएंगे। पिछले वाले मैच में तो नहीं तो बैटिंग आई क्योंकि कम ही टारगेट था और नहीं बॉलिंग मिली क्योंकि टारगेट कम था, समेट दिया था ना साउथ अफ्रीका की टीम को, इनको बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला, है ना। लेकिन आज वाले मैच में बैटिंग भी आ सकती है, बॉलिंग भी आ सकती है। यहाँ का जो पिच है वो थोड़ा सा स्लो भी रह सकता है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, काफी विकेट टू विकेट लाइन टू लाइन जो है बॉलिंग करते हैं, आप लोगों की टीम के लिए अच्छे पिक हैं। इवन मैं तो बोलूंगा रिस्की वाइस कैप्टन के भी अच्छे चॉइस हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव का ऑप्शन आ जाता है, डेफिनेटली यार अपनी टीम के लिए एक बहुत अच्छे पिक है क्योंकि पिच जो है थोड़ा सा स्लो हो सकता है ना, और स्लो पिच पे स्पिनर को उठाना, खास की खास कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को उठाना एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो आई थिंक मैं तो इन दोनों स्पिनर को अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूँ, अक्षर पटेल को भी और कुलदीप यादव को भी, अगर आपको किसी एक को ड्रॉप करना हो तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। देखो आप लोग अगर सेफ खेलना चाहो तो डेफिनेटली सेफ खेल सकते हो, इन तीनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो, है ना। डेफिनेटली बहुत सारे लोग अर्षदीप की तरफ भागेंगे, कुछ लोग आवेश खान की तरफ भागेंगे, है ना। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार इनको छोड़ के मैं स्पिनर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूं। मगर अगर आपको सेफ खेलना हो आप अर्षदीप सिंह को प्लीज उठा लेना क्योंकि ये सेफ पिकअप, पिछले मैच में इसने 5 विकेट निकाले हैं, इसने 4 विकेट निकाले हैं, दोनों ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, है ना। और मुकेश कुमार की थोड़ी सी ठुकाई हुई थी, विकेट नहीं मिले थे। बाकी अगर आपको सेफ खेलना हो इनको ट्राई कर सकते हो, रिस्क लेना हो आप कुलदीप यादव की तरफ जा सकते हो मेरी तरह, ठीक है। तो ये हो जाती है दोस्तों बात इंडियन टीम की। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं देखो साउथ अफ्रीका की, तो यार साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से अभी तक अपने पास कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। इनकी जो स्कोर थी वो मतलब आपकी स्क्रीन के सामने एक बार नज़र मान लो यार, है ना। और बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार इनके पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो मेरे को लगता है जो 11 खिलाड़ी पिछले वाले मैच में खेले थे वो 11 खिलाड़ी आपको आज वाले मैच में खेलते हुए दिख जाएंगे। आई डोंट थिंक ये अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज करने वाले हैं क्योंकि पिछला वाला मैच इनको भी पता है कि यार इनको हारना नहीं चाहिए था, सामने एक इनएक्सपीरियंस टीम है, लेकिन हार गए वो, है ना, कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। अब आज वाले मैच में सेम गलती मेरे को नहीं लगता करेंगे, आज वाले मैच में साउथ अफ्रीका की जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये जो ऊपर आपको जो बड़े प्लेयर्स दिख रहे हैं, जो मेन प्लेयर्स दिख रहे हैं, जिनमें सबसे पहले एडन मरकम है, रासी वांडे ड्यूसन है, ना, एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, ये आई थिंक की मेजर परफॉर्मेंस आज वाले मैच में आपको करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इन प्लेयर्स की बात अपन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले दोस्तों अपने पास रीजा हेनरिक्स का ऑप्शन आ जाता है, राइट हैंड बैट्समैन है, 31 मैच इन्होंने खेले हैं इस सीरीज में आने से पहले, 858 रन बनाए हैं, 29 का बैटिंग एवरेज है, पिछले मैच में डक पे आउट हो गए थे। उससे पहले दोस्तों जो आपको दो मैच दिख रहे हैं ये वर्ल्ड कप में इन्होंने खेले थे, ठीक है। वर्ल्ड कप में 85 रनों की एक मैच में परफॉर्मेंस आई थी, उसके बाद दूसरे मैच में 12 रनों की पारी और पिछला वाला मैच 0 रन पे आउट हो गए थे, ठीक है। एक अच्छे प्लेयर है एक्चुअली में रीजा हेनरिक्स, व्हाइट बॉल फॉर्मेट के ये एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन हो सकता है पिछले वाले मैच में देखो हो गए, पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ही हो गई थी तो फिर क्या ही ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं अपनी स्मॉल लीग टीम में रखने वाला हूँ इसको, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों टोनी डी जॉर्जी आ जाते हैं, पिछले वाले मैच में नए प्लेयर हैं, हालांकि ये डेब्यू टीम आ रहा था, 83 मैच लिस्ट के खेले हैं, 38 का बैटिंग एवरेज है, पिछले मैच में इन्होंने लेकिन सबसे अच्छी पारी खेली 28 रनों की, ठीक है। नहीं तो इन्होंने ये भी 0 पे, ये भी 12 रनों पे आउट हो गए थे ना, लेकिन इन्होंने अच्छी पारी खेली और थोड़ी सी यू नो अग्रेसिव अप्रोच भी है इनकी, तो अगर आपको एक पावर हिटर चाहिए टॉप ऑफ द ऑर्डर तो आप टोनी डी जॉर्जी की तरफ जा सकते हो। मैं सोच रहा हूँ थोड़े एक्सपीरियंस के पीछे भागता हूँ इस वाले मैच में, है ना, थोड़ा इंडियन टीम में भी मैंने तो आपको ये बोला थोड़ा एक्सपीरियंस के पीछे मैं भाग रहा हूँ, कुलदीप यादव को उठाने की सोच रहा हूँ क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ना कि आवेश खान को क्योंकि उसको एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, ठीक है। साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से भी मैं एक्सपीरियंस के पीछे भागने की सोच रहा हूँ, टोनी डी जॉर्ज को नहीं उठाऊंगा, आई थिंक मैं रासी वांडे ड्यूसन जो कि पिछले मैच में डक पे आउट हो गए थे, लेकिन मैं रासी वांडे ड्यूसन को अपनी टीम में उठाने की सोच रहा हूँ, मैं एडन मरकरम को अपनी टीम में उठाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। मरकरम को तो इवन आई थिंक मैं अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन भी कंसिडर करूंगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपने पास हेनरिक क्लासन को ऑप्शन आ जाता है, विकेट कीपर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा और भाई बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, मतलब वर्ल्ड कप में देखा ही होगा यार आपने, हर किसी की रेल बना सकता है और ये बना ही सकता है, मतलब ये लिटरली बना सकता है। हालांकि अगर आप देख पा रहे हो पिछले जो 4 वनडे के मैच इन्होंने खेले हैं, है ना, 3 में जो है ये 10 का स्कोर भी क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा प्लेयर है, पावर रेटिंग बहुत तगड़ी कर सकता है हेनरिक क्लासन, मैं रिस्क लेने मैं ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डेविड मिलर हैं, इनके बारे में भी सेम चीज़ बोलूंगा जो कि मैंने आपको संजू सैमसन के लिए बोली है कि ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे पिक हो जाते हैं, खासकर कि जब जब इनकी टीम पहले बैटिंग करती है, मतलब इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो सैमसन ग्रैंड लीग के अच्छे पिक, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो फिर डेविड मिलर काफ़ी अच्छे पिक हो जाते हैं आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के
इनकी भी दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस देखो, पिछले मैच में 2 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 101 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि टीम हार गई थी लेकिन खेली थी, अंडर प्रेशर काफी अच्छी पारी खेल सकते हैं। एंदिलो फेलुकायो दोस्तों अपने कोटे के आई थिंक पूरे 10 ओवर इनको मिल जाएंगे, बैटिंग भी कर सकते हैं। पिछले वाले मैच में बैटिंग से भी 33 रनों की पारी खेली थी, बॉलिंग में भी 1 विकेट निकाला था। डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक सेफ पिंग आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। देन दोस्तों वियान मल्डर आ जाते हैं, 12 मैच इन्होंने खेले, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पिछले वाले मैच में दोस्तों 1 विकेट इन्होंने भी निकाला था, हालांकि बैटिंग से कुछ भी नहीं कर पाए थे। उससे पहले दोस्तों आपको ये जो रिकॉर्ड दिख रहे हैं ना, ये लिस्ट एक है, ठीक है, ओडीआई में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना इनको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों केशव महाराज, तबरेज शमसी, नांद्रे बर्गर को डेफिनेटली मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा, है ना, क्योंकि वही बात है, एक्सपीरियंस 39 लिस्ट एमएच का है। लेफ्ट आर्म एंगल इनके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं करूंगा, ये इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस है। मैं थोड़े से स्पिनर के पीछे भागूंगा, मैं थोड़े से एक्सपीरियंस के पीछे भागूंगा आज वाले मैच में। केशव महाराज और तबरेज शमसी, ये दोनों आई थिंक आज वाले मैच में इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई एक तो करेगा, कोई एक तो परेशान करेगा, और ज्यादा आई थिंक तबरेज शमसी कर सकता है। बस केशव महाराज को अगर आपको उठाना हो तो इनके बैटिंग बैकअप की वजह से उठा सकते हो, कि ये बैटिंग आपको करके दे सकते हैं, थोड़े बहुत रन आपको बना के दे सकते हैं, डाउन दी ओर बैटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उस वजह से आप केशव महाराज की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज आप तबरेज शमसी की तरफ जाओ, या फिर अगर दोनों को एडजस्ट कर सकते हो टीम में तो दोनों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मैं कोशिश तो करूंगा दोनों की करने की, बाकी वो तो अपन जब टीम बनाएंगे तब देखेंगे, है ना। लेकिन अगर प्रायोरिटी अगर मेरे को किसी को रखनी है तो फिर मैं आई थिंक तबरेज शमसी की तरफ जाना चाहूंगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो यार, अभी तक इस वीडियो में हम इसमें से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिपोर्ट, वेदर रिकॉर्ड, हिट वेट रिकॉर्ड, रिसेंट परफॉर्मेंस, प्लेइंग 11, स्कोर देख ली, टीम न्यूज देख ली, प्लेइंग 11 के सारे रिकॉर्ड देख लिए, कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम में उठाना है, कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, ग्रैंड लीग के पिक, स्मॉल लीग के पिक, सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जनरली वही बात है, मैं आप लोगों को टॉप परफॉर्मर्स या प्लेयर बैटल्स बताता, लेकिन इस वाली सीरीज के लिए नहीं तो टॉप परफॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं प्लेयर बैटल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही टीम में नए प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने एक दूसरे के आमने सामने खेला नहीं है, है ना। तो नहीं तो टॉप परफॉर्मर्स एग्जिस्ट करेंगे, नहीं प्लेयर बैटल्स एग्जिस्ट करेंगे। और वैसे भी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है, अब देखने के लिए दोस्तों सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है इस मैच की टीम। तो यार उस चीज के ऊपर ही फोकस कर लेते हैं ना, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार इस वीडियो में मैं आपको एक टीम बना के दिखाऊंगा, तो वही काम कर लेते हैं ना। मैं आ जाता हूं दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी दोस्तों आपको अपने साइड में दिख पा रही होगी, ठीक है। मैंने अपना दोस्तों फोकस 11 एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, क्योंकि मैं तो यहीं पर इन्वेस्ट करने वाला हूं, और मैं तो आपको भी दोस्तों एक्चुअली मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई फोकस 11 पे एक बार के लिए इन्वेस्ट करके देखो, आपको बेनिफिट खुद पता लगेगा, ठीक है। और फोकस 11 पे डिफरेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर गिव अवेज होते रहते हैं, पिछले वाले मैच में भी 10,000 रुपए का गिव अवे था, आपको पता है ना, आज वाले मैच में भी यहाँ पर 10,000 रुपए का गिव अवे हो सकता है। अभी तक तो एड इन्होंने नहीं किया यहाँ पर, लेकिन हो सकता है, ध्यान रखना वो मैच स्टार्ट होने से पहले एड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वो फ्री के 10,000 रुपए वो आप आसानी से यहाँ पर जीत सकते हो, ठीक है। फोकस 11 दोस्तों अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लेना, इसकी डाउनलोडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। रेफर कोड है बोनस, जो कि कंपनी का रेफर कोड है, उसकी वजह से आपको प्रीमियम बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। नीचे वाले लिंक से डाउनलोड करोगे वो रेफर कोड अपने आप लग जाएगा, अगर नहीं लगता है तो आप लगा लेना। यहाँ पर दोस्तों और भी बेनिफिट है, जैसे कि यहाँ पर एक ये 6 प्लेयर फैंटेसी अवेलेबल है, 5+1 अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख पा रहा हो, 10+1 है ये नॉर्मल फैंटेसी है, इसके जस्ट बगल में 5+1 का ऑप्शन आ रहा है। ये जो मोड है, ये जो फैंटेसी का फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस 11 पे देखने को मिलेगा और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और मैं सही बता रहा हूँ, ये एक जैकपॉट फीचर है जो कि आपको डेली जो है बहुत अच्छा बेनिफिट करवा सकता है। अपन करवा रहे हैं ना अपने चैनल पे, बहुत सारे लोग जो है 6 प्लेयर फैंटेसी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनको पता है ना। और भी दोस्तों यहाँ पर देखो एंट्री फीस बहुत कम है, आप किसी भी कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस उठा के देख लेना, आपको खुद को पता लग जाएगा कि फोकस 11 कितनी कम एंट्री फीस आपसे चार्ज करता है और सेम आपको प्रॉफिट करवाता है ना। तो ध्यान रखना फोकस 11 अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, सही बता रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार हम अपनी टीम के बारे में, और टीम दोस्तों मैं आपको बना के दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको एक बार वापस बता दूं कि यार ये जो भी टीम अपनी इस वीडियो में बनेगी वो अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी, ठीक है। अपनी जो फाइनल टीम रहेगी वो टॉस के बाद बनेगी, इन टीम में चेंजेज हो सकते हैं, जो भी अपडेट होंगे वो करके अपनी जो फाइनल टीम रहेगी टॉस के बाद आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको अपनी साइड स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, फिलहाल में आप खुद देख सकते हो 1,88,000 1,88,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आए मैंने आपको बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको जुड़ जाना है। बाकी दोस्तों टीम की अगर मैं बात करूं तो विकेट कीपर सेक्शन से देखो हेनरिक क्लासन और केएल राहुल दोनों को मैं अपनी टीम में उठाने वाला हूं, इसमें तो मेरे को 1% डाउट नहीं है। फिर बैटिंग सेक्शन में आते हैं, राशि मांडे ड्यूसन मेरी टीम में रहने वाले हैं, उसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ से जो है देखो अपने पास ऋतुराज गायकवाड़ का ऑप्शन है जिनको मैं एक बार के लिए उठा रहा हूँ, ठीक है।
रिजा हेंड्रिक्स को देख लो यार, अगर आप उठाना चाहो तो ओडीआई में रिसेंटली उतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर नहीं रहे वैसे तो, लेकिन फिर भी आई थिंक कि मैं उठा लूंगा। एक्चुअली इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बाकी पाटीदार को एक बार के लिए अपनी स्मॉल ग्रिड में नहीं उठाऊंगा। सेफ खेलना हो आप सुदर्शन को उठा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, एडन मर्करम को डेफिनेटली मैं अपनी टीम में उठाऊंगा, अक्षर पटेल को डेफिनेटली मैं अपनी टीम में उठाऊंगा, और फिर एंदिले फेलुकायो को मैं डेफिनेटली अपनी टीम में उठाऊंगा, वियान मल्डर को नहीं उठा रहा, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों मैं कुलदीप यादव को अपनी टीम में ट्राई करूंगा, देन तब्रेज़ शम्सी को अपनी टीम में ट्राई करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो यार, नौ प्लेयर उठा चुके हैं, एक प्लेयर और उठाना है, आप अर्षदीप सिंह, नांद्रे बर्गर, किसी के साथ भी जा सकते हो। आई थिंक मैं केशव महाराज की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ हूं, इसलिए केशव महाराज की तरफ जा सकता हूं, बाकी अगर आपको सेफ खेलना हो आप अर्षदीप सिंह के साथ जाना, और अगर आपको दोनों ही नहीं रखने हैं तो कोई बात नहीं, आप बैट्समैन भी एक्स्ट्रा बैटर भी अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए मैंने यहां से केशव महाराज उठा लिया है, आप अर्षदीप सिंह भी उठा सकते हो, एक बार वापस बता रहा हूं, और बाकी बैटिंग सेक्शन है, और इवन आप ये भी कर सकते हो ना, चौथा जो बॉलर है वो आप अर्षदीप सिंह उठा लो, ये भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये वाली जो टीम आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो ना, ये हो जाता है एक कॉम्बिनेशन। बाकी फिलहाल के लिए तो यार मैं देखो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन उठाने की सोच रहा हूँ, और बैट्समैन में भी आई थिंक मैं रिजा हेंड्रिक्स की तरफ जाने की सोच रहा हूँ। तो ये वाली जो टीम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो ना, ये है अपनी ये वीडियो की टीम, ठीक है। इसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, ठीक है। कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों अगर मैं बात करूँ इन्हीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, तो आप में से जिस भी भाई ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर देखो, एडन मर्करम, राशिवान डे ड्यूसन, उसके अलावा केएल राहुल एंड अक्षर पटेल, ठीक है। ये चार जो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं ये आज वाले मैच के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट ऑप्शन हैं। बाकी यार कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई चेंजेस होंगे, कोई अपडेट होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर पाऊंगा। और तो बस ठीक है यार, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।